हे गाइस, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, जैसे हो गया फ़ोन, स्मार्टफोन, टैब, टैबलेट, लैपटॉप, आप ये सब चीज़ लेते हैं, लैपटॉप भी ये सब अपने जो आपके यूज में है, तो वो सब का एक वैलिडिटी डेट भी आता है, या फिर कभी किस्मत ख़राब हो तो, या तो वो हाथ से गिर जाए, या तो भींग जाए, या किसी प्रकार का तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ जाए, तो ये आना निश्चिंत है। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप जिस भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तो उसमें एक बार ना एक बार प्रॉब्लम अगर आई आपका, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप वो आप दुकान में नॉर्मल दुकान में खुलाने से अच्छा आप सोचते हैं कि मैं एक बार केयर चला जाऊं। जैसे आप अगर सैमसंग का यूज़ कर रहे, सैमसंग केयर, रेडमी का फ़ोन रेडमी केयर, तो आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आप ज़रूर केयर जाने की सोचिएगा, और उसके बाद आपको वहाँ पर क्या कॉस्ट पड़ेगी, क्या आपका दिक्कत हुआ, ये सब कुछ बताया जाएगा। तो एक एक्सपीरियंस होता है, और एक बिहेवियर होता है, और एक सर्विस होती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और क्या बिहेवियर रहा स्टाफ का, और क्या सर्विस रहा आपका केयर का, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ये है मेरे पास सैमसंग का टैब, जो कि मैं अपना इसका पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल में डाला हुआ है, आप अगर नहीं देखे तो जाके यहाँ पर देख सकते हैं इसका पुराना वीडियो। ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 Plus, जो कि एक LTE मॉडल है। इसमें आपको पेन भी, एस पेन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट नो डाउट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें मुझे क्या दिक्कत हुई, और इसे मैं कैसे ठीक कराया, और इसमें क्या क्या मुझे करना पड़ा, कितना पैसा लगा। अगर आप भी टैब यूज करते हैं, तो मैं अभी स्मार्टफोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज वीडियो में आपको टैब के बारे में ही बताऊँगा कि अगर आप टैब, चाहे टैब कोई भी सैमसंग का टैब हो, S6, S7, S8, S9, अगर कोई भी टैब यूज कर रहे हो, तो कैसे उसे केयर करना है, और कैसे उसमें क्या आपको वारंटी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कैसे और सुरखना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हैं टेकी टेकी चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जो मेरे पास देख रहे हैं, ये है सैमसंग का टैब S7 Plus। ये अभी बिल्कुल भी चालू कंडीशन में, ये इसके अभी वारंटी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो इसमें मुझे दिक्कत क्या हुआ था कि इसमें जैसे मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट आया, तो मैं अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद, ये 10 से 15 दिन पहले की कहानी है, अपडेट करने के बाद ये आधा से एक घंटा चली, और उसके बाद से इसमें डिस्प्ले में बिल्कुल पूरी तरह से लाइट आना बंद कर दिया। जैसे मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, तो ये देख सकते हैं, जैसे यह प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरीके का लाइन आ रहा है, तो बस वही लाइन आ रही थी इसमें, बीच में डिस्प्ले इसकी ख़त्म हो गई थी। तो इससे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसे मैं फ़ौरन लेकर अपने नियर सैमसंग केयर चला गया, जहाँ पर मुझे उनके जो स्टाफ थे वो इस गैजेट को देखें, टैब को देखें। तो टैब को देखने के बाद उनका कहना था कि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा है, जिस कारण से आपका स्क्रीन ग्लास जो है ब्लैक हो गया है, वहाँ पर जहाँ पर आप यहाँ इस कैमरे के सामने जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरीके का उनका कहना था कि यहाँ पर ये ब्रेक हो गया है। जब मैंने उनसे कहा कि आप ब्रेक, मैं आप जॉब सीट का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं उनको कहा कि मुझे ये दिखाइए, तो वो मुझे नहीं दिखा पाए, जिस कारण से मुझे थोड़ा सा असंतुष्ट महसूस हुआ। और उनका कहना था कि ये वारंटी में कवर नहीं किया सकता है। मेरा अभी ये टैब का जो अभी 4 से 5 महीना वारंटी अभी बचा हुआ है, तो उनका कहना था कि ये अभी वारंटी में जो टूटा हुआ है, ये अभी नहीं ठीक कर सकते, आपको एंड इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी ये जाके आप इसको ठीक कर सकते हैं, वरना ऐसे कोई भी इंटरनल अगर प्रॉब्लम होती तो मैं देखता, ऐसे उनका कहना था। फिर मैं दूसरे केयर पास गया, तो उनका कहना था कि अंदर से लिक्विड, कोई ब्रेक नहीं हुआ है, अंदर से लिक्विड डिस्चार्ज हो गई है, जो कि लिक्विड आपके स्क्रीन में फैल जाने के बाद वो पूरी तरह से डिम हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आया, पहले मैं एक शॉर्ट्स भी बनाया जिसमें सैमसंग को टैग भी किया, तो ये सब कुछ मुझे दिखते हुए। फिर मैं जिस जगह पर जो पहले मुझे कहा कि ब्रेक हुआ है, मैं उनसे कहा थोड़ा मुझे अच्छा समझाइए दिखाइए, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो एक हल्की सी लाइनिंग दिख रही थी। अब ये मेरे से हुआ कि क्या हुआ, उनका तो कहना था एक्सटर्नल प्रेशर पड़ने की वजह से हुआ, तो मैं उनसे एक ही कहा कि जब सैमसंग इतना पतला डिवाइस बनाई, तो क्या वो इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक नहीं की, या फिर किसी प्रकार का कोई इसमें मजबूती चेक नहीं किया गया। तो उनका कहना था, मैं ऑनलाइन कस्टमर को कॉल करके भी कहा, कहें कि नहीं सर, ये हमारे तरफ से पूरे 100% चेक होकर ही आती है कि आप कैसे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं, तो फिर मैं जब सोचा कि मैं कवर यूज करता था, ये मैं कवर इसका यूज करता हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस कवर में
लगाने के दरमियान ये शायद ब्रेक किया हो या फिर किसी जगह पर एडजस्ट करने की जगह ये ब्रेक किया है। तो मैं इन सब चीज़ों को साइड में रख के मैं सोचा कि चलिए बना देता हूँ। तो मैं उनके पास गया और उनको फिर से बोला कि इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा और कब तक बनेगा, कितना दिन लगेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर 2 दिन लगेगा और इसके सामान अभी नहीं है, तो आने में कम से कम आज शाम को अगर आप दे रहे हैं तो कल शाम तक ही आएगी और परसों मैं आपको डिलीवरी दे दूँगा। तो बिल्कुल उसी तरह से, और ये इसकी प्राइस जो मुझे बताया गया, तो दोस्तों इसे मैं ऑफ़र में लिया था 50,000 में, या ऐसे तो एक्चुअल प्राइस है 76,000, पर 50,000 में मैं इसे लिया था। तो ये भी मुझे स्क्रीन का सिर्फ 22,001 रुपये पड़ गया दोस्तों, जो बिल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये मुझे थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी, बल्कि इनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा है और इनका डिस्प्ले भी सेम टू सेम, अगर मैं केयर में काम कराया हूँ तो मेरी वारंटी भी बची हुई और उसके बाद जो काम भी हुआ वो भी काफ़ी फाइन और काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टैब ले रहे हो तो भी आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी है, उसमें आप कैसे कवर लगाएं और कैसा क्या कैसे इस्तेमाल करें, ये सब आप आराम से उसे देख के ही करें। जैसे ये कवर है, तो इस कवर को मैं यहाँ से रबड़ वाला लिया हूँ, ये रबड़ इस तरीके से है यहाँ पर, तो थोड़ा लगाने में आप सावधानी बरतें, वरना आप एक और कवर भी ले सकते हैं। मेरे पास इसका एक और कवर भी मैं जो अभी परचेज किया हूँ कुछ इस तरीके से, ये मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें सिर्फ साइड से इसमें लॉक करने का है, तो ये मैं आराम से इसे मूव करके इसमें इसे फिट कर देता हूँ, जो काफ़ी अच्छे फिट हो जाती है। और इसे मैं एज ए डेस्कटॉप एज ए लैपटॉप भी यूज कर सकता हूँ, इसे मैं इसे जहाँ चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। और इससे अगर आप ये भी चलाना चाहें तो आप इस तरीके से ये ऐसे भी चला सकते हैं, लैंडस्केप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये है इसकी कवर। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैं जब वहाँ पर गया सैमसंग केयर, तो उनका मैं कहा कि जो मेरा पार्ट चेंज हुआ जड़ा वो मुझे दिखाएं, तो जब मैं वो मुझे दिखाए थे कि आपका टूटा हुआ है, तब तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर जब कुछ मैं जब कल लेने गया, तब उन जो मुझे डिस्प्ले दिया वो शायद ये खोलने में ये ब्रेक करती हैं, तो इस जगह पर ये ब्रेक आपको दिख रहा हो, तो ये कुछ पूरा का पूरा पैनल ही इन्होंने चेंज कर दिया, जो काफ़ी अच्छी बात है, बल्कि ये थोड़ी सी कॉस्टली भी लगी। तो अगर आप सैमसंग का टैब यूज़ करते हो, किसी भी कोई भी कंपनी का टैब यूज़ करते हो, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है और ये इतना ज़्यादा पतला होने के कारण थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा संभल के आपको रखना पड़ सकता है, अन्यथा आपको भी वही जवाब मिलेगा कि सर हम ये वारंटी में ठीक नहीं कर सकते। तो यही था सैमसंग टैब S7 Plus। तो मुझे सर्विस अच्छी लगी थोड़ी सी, मुझे स्टाफ की कुछ कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ कुछ बातें नहीं अच्छी लगी। जैसे 2 जगह में गया तो एक जगह का अलग कहना था, एक जगह का अलग कहना था, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसपॉइंटेड किया काफ़ी, बल्कि काम इनका ठीक रहा, 2 दिन के अंदर मुझे ये डिलीवरी दे दिया और काफ़ी अच्छे से काम किया। तो इसमें वीडियो बनाने का मेरा खास यही है कि अगर आप टैब यूज करते हो तो टैब को सावधानी से चलाएं, और अगर आप सैमसंग का केयर जाते हो तो वहाँ पर आपको अच्छी सर्टिफिकेशन मिलेगी। थोड़ी सी आपको बातों को समझना होगा, आप थोड़े से हो सके आप पैनिक हो जाए, तो पैनिक नहीं होना है, समझ के आप आराम से काम ले सकते हैं और अपने डिवाइस को ठीक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ टैब में ही नहीं, अगर आपका स्मार्टफोन है तो उसमें भी लागू हो सकते हैं, या किसी भी गैजेट हो तो उसमें भी लागू हो सकते हैं, बल्कि मैं फ़िलहाल सैमसंग का बता रहा हूँ। और भी मैं ऐसे अगर कोई केयर जाऊँगा तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, और उनका एक रेटिंग भी होता है, जो रेटिंग देने के लिए मुझे कहा, मैं अभी तक रेटिंग नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उनके जो स्टाफ थे उनका कुछ कुछ कहना कुछ समझ नहीं आया, तो आगे आप समझदार हैं, अगर आप अच्छे से कोई गैजेट लेते हो तो अच्छे से आप उसको यूज करें, अच्छे से हाथों में संभाल के यूज करें। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।